मॉर्निंग गाइस, सुबह के 7:30 बज चुके हैं, मैं उठ चुकी हूँ। तो आज खिचड़ी बनाना था क्योंकि कल रात को संकेत ने खाना नहीं खाया। रोटी पूरी रखी हुई है और भिंडी की सब्ज़ी भी है, तो हम वो भी खाएंगे और साथ साथ खिचड़ी भी बना लेते हैं। तो संकेत को भी अच्छा लगेगा खाने में, अगर उनका खिचड़ी का मन होगा तो वो खिचड़ी खा लेंगे। तो हम खिचड़ी बना लेते हैं और साथ साथ आज वो दलिया नहीं खाना चाहते, तो दूध और टोस्ट या बिस्किट या ब्रेड सब रखा है, वो खाएंगे हम लोग। ठीक है, तो आपको बताते हैं, मिलते हैं। कि साफ़ सफाई करके कर लूँ थोड़ा सा, फिर जल्दी निकलना है। ठीक है, तो आज बताना भूल गई, आज तो 11th of April है गाइस। तो आज है ट्यूसडे, तो आज देखते हैं क्या होता है कॉलेज में, क्या नहीं होता है, कितना काम रहता है, कितना लोड है, सबको बताते हैं आके कॉलेज। ये हमारी खिचड़ी बन रही है, इसमें हम पानी डालेंगे, ये थोड़ी सी चटक जाए। फिर मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी व्लॉग में कि मैं खिचड़ी कैसे बनाती हूँ, थोड़ा सा ये हो जाए फिर मैं इसमें पानी डाल के कुकर लगा के जाऊँगी। मैं हो चुकी थी रेडी, अब मैं जा रही हूँ कॉलेज। आज लेट जा रही हूँ 9:30 पे, क्योंकि मेरा लेट बचा हुआ था, एक हमें 3 लेट मिलते हैं, तो अब मैं जा रही हूँ। अभी मैं आ चुकी हूँ कॉलेज, मैं मिलूँगी अब आपसे डायरेक्ट शाम को। ओके, टिल देन बाय। मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ क्योंकि संकेत चाबी रखना भूल गया, मेरी गाड़ी की चाबी से वो घर की चाबी पता नहीं कहाँ गई, तो अभी मैं वेट कर रही हूँ, संकेत आ रहे हैं। फिर दरवाज़ा खुलेगा तब मैं अंदर जाऊँगी। मैं कॉलेज से तो आ चुकी हूँ, घर के बाहर खड़ी हूँ, देखी है ना, तो आपको बताती हूँ आज जो कुछ भी करूँगी। अभी जाके बहुत सारा काम करना है, घर की साफ़ सफाई, थोड़ी सी डस्टिंग और खाना बनाना है। मैंने मुँह हाथ धो लिए थे थोड़े से, और हम मैंने बर्तन मांजे भी घर आके, सफाई की हल्की सी। अब मैं सोच रही हूँ सब्ज़ी बना लेती हूँ जल्दी से, और अगर मार्केट का कोई काम होगा जैसे दाल खरीदना, संकेत जा ही नहीं पा रहे दाल खरीदने के लिए, तो गाइस बताती हूँ आपको अगर मैं जाऊँगी तो। नहीं तो मुझे पार्लर भी जाना था, बहुत समय से सैलून वगैरह नहीं गई हूँ, क्या करूँ, देखती हूँ आपको बताती हूँ, कुछ ना कुछ करती हूँ। और अभी तो खाना फिलहाल जल्दी बना लेती हूँ, फिर जाके नहाऊंगी क्योंकि पसीना पसीना हो जाऊंगी, बहुत स्वेटिंग होती है गर्मी में, तो चेंज करके बस खाना बना लेती हूँ बस, और फिर उसके बाद पूजा करती हूँ क्योंकि अभी टाइम है, अभी 6:30 ही हुआ है, तो आधा घंटा है अभी, तो मैं खाना बना लेती हूँ पहले। ओके गाइस, तो फिर मैं मिलती हूँ। गाइस हम बना रहे हैं यहाँ पे शिमला मिर्च की सब्ज़ी। तो हम प्याज छील लिए मैंने, अभी देखिए आप प्याज ही छील रही थी, शिमला मिर्च रखा, इन सबको काटूँगी अच्छे से और आपको बताऊंगी कि मैं शिमला मिर्च की सब्ज़ी कैसे बनाऊंगी। मैं बेसन वाली शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाऊंगी जहां बेसन का यूज़ होता है, बड़ा ही अच्छा लगता है बेसन के साथ ये शिमला मिर्च, बहुत ही। तो आपको बताती हूँ गाइस मैं कैसे बनाऊंगी। गाइस पहले इस रेसिपी में सबसे पहले हम बेसन को भूंज लेते हैं हल्का भूरा होने तक, थोड़ा सा बेसन भूजेगा जैसे ही खुशबू आने लगेगी बेसन की हल्की सी, तो समझ जाइएगा बेसन हो गया है। तो आप थोड़ा सा बेसन को सेक लीजिए, और सेक के मैं इसको अलग कर दूंगी, फिर ये सब्जी बनाऊंगी। A few moments later. ये देखिए ये कलर चेंज करने लगा है बेसन, देखिए आप देख सकते हो। लिया है सेम कढ़ाई को हम यूज करेंगे, और इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल। तेल गरम हो चुका है तो हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी राई और जीरा, ये हो जाए तो हम इसमें डालेंगे लहसुन और हरी मिर्च। तो गाइस अब हम डालेंगे इसमें लहसुन और हरी मिर्च, उसके बाद ये पक गए तो हमने डाली प्याज, प्याज हल्की भूरी होने तक हम इसको पकाएंगे। ये देखिए प्याज हो चुकी है लगभग, ये प्याज हो गई है ऑलमोस्ट भूरी ब्राउनिश कलर की। तो अब हम डालेंगे इसमें कटी हुई कैप्सिकम जो हमने काट के रखी थी, और इसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे हम प्याज के साथ।
अब ये कैप्सिकम पक चुकी है तो अब हम डालेंगे थोड़े से टमाटर कटे हुए, इसको भी हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे। और जब ये सारी सब्जियां थोड़ी सी हो जाएं तो हम डालेंगे उसमें बाकी के मसाले, जैसे लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और एवरेस्ट का गरम मसाला। अभी हम इसको मिला लेंगे और डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और फिर से इसको मिला लेंगे अच्छी तरीके से। अब हम गाइस इसमें पानी डाल दिया मैंने इसमें, क्योंकि पानी से क्या होगा, जो बेसन हम बाद में ऐड ऑन करेंगे तो वो इसमें एकदम से चिपकेगा नहीं, थोड़ा सा लूज़ रहेगा। तो अब हम डाल रहे हैं इसमें बेसन जो हमने अलग से सेक के रखा हुआ था। तो ये देखिए इसको डाल के अच्छी तरीके से मिला लेंगे। ये सबसे आखिरी स्टेप है हमारी इस रेसिपी का। ये देखिए अपने आप देखिए बाइंड करती जा रही है, और ये देखिए पूरी कढ़ाई को इसने सब्ज़ी ने छोड़ दिया है। ये देखिए आप पूरी तरीके से इसने सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लिया अपने अंदर। साइड में मैं बना लेती हूँ रोटी। तो ये देखिए रोटी बन रही है मेरी। गाइस मैंने यहाँ पे नहा लिया था, मेरी पूजा हो चुकी थी। देखिए पूजा हो चुकी है, बन चुका है। ये देखिए मेरी कैप्सिकम की सब्ज़ी और ये मेरी रोटियाँ, खिचड़ी भी बची थोड़ी सी तो वो भी खा लेंगे। अभी मैं जा रही हूँ गाइस कुछ सामान लेने, सब्ज़ी मंडी या मार्केट जहाँ से भी मिलेगा वो हम देख लेंगे, जहाँ का भी अच्छा होगा। तो मैं वहीं जा रही थी दाल वगैरह खरीदने, गुड़ वगैरह खरीदने, बट नीचे संकेत आए तो उन्होंने रोक लिया, बोलते हैं मैं भी चलूँगा। तो मैंने कहा ठीक है ओके। तो गाइस भूल गए थे कि आज ट्यूसडे है, आज दोनों ही मंडी नहीं लगेगी, चोट हो गई हमारे साथ। अच्छा हुआ याद आ गया टाइम पे, तो मैं थोड़ा सा लेट गई आराम से। अभी मैं सोच रही हूँ मैं गोलगप्पे तो खा सकती हूँ, तो मैं गोलगप्पे खा के आ जाऊँ बस। तो मैं गोलगप्पे खाने जाऊँगी और आ जाऊँगी फिर खाना खाऊँगी। गाइस मैं फुल्की खा के आ चुकी थी और अभी हम खाना खा रहे हैं। हम डिस्कस करने लगे थे जो सीक्रेट मैंने आपको बताया नहीं, एक सरप्राइज टाइप का जो मैंने बोला था, सरप्राइज हम बताएँगे हम क्या सरप्राइज देंगे, तो वो हम डिस्कस कर रहे थे थोड़ा सा, तो टाइम लग गया। तो अभी हम खाना खाएंगे, संगीत खुला भी बहुत तेज़ी से भूख, तो खाना खाते फिर आप हम आगे क्या करें। उसके हमने खाना खा लिया है अभी, और संकेत को कुछ काम आ गया तो संकेत वहाँ गए हैं। क्या कर रहे हैं, बिजनेसमैन की लाइफ ऐसी होती है, कभी भी कुछ भी ऑर्डर को भी कोई भी क्लाइंट आ जाता है। तो अभी बज रहे हैं रात के 9:45, अभी हम शॉप पे भी नहीं जा सकते कहीं पे, तो बात करते करते टाइम निकल गया। हम कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, हम आपको बताएंगे, हम कहीं वेकेशन मनाने जा रहे हैं, आपको एक सरप्राइज देते हैं ठीक है। तो हम बता दिया मैंने आपको, हम वेकेशन करने जा रहे हैं बाहर, तो उसके अपडेट भी आपको देते रहेंगे। कहाँ जा रहे हैं आप गैस करिएगा ठीक है, और मुझे कमेंट करिएगा तो फिर मैं आपको बताती हूँ। अभी मैं ब्लॉग एडिट करूँगी थोड़ा कल का, उसको डालना है मुझे, अभी तक नहीं डाला, आज बिल्कुल टाइम नहीं मिला क्योंकि हम दोनों गॉसिप में पड़े हैं आज। और संकेत का थोड़ा से वही प्रॉब्लम हो रही थी, हाथ पैर थोड़ा सा दुख रहे थे, मेरे भी दुख रहे हैं मौसम के चेंज के कारण, लेकिन ठीक है अभी आराम करेंगे जल्दी, जिसमें बाद में वैकेशन के पूरे अपडेट्स आपको देते रहें। तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कॉमेंट करिए और ऐसे ही अपना ढेर सारा प्यार हम मुझे और संकेत को देते रहिए गाइस। तो लव यू ऑल एंड डू लाइक फॉर माय चैनल ठीक है, प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब ऑल्सो ठीक है, बाय।